देखो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अपने पास लॉग के अंदर है, लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो लॉग एक्स को मैं सब्सटीट्यूट करूँ टी से, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो हमारे पास वन अपॉन एक्स है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट करूँगा टी से, अब दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा अपने पास डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, ओके। अब डी एक्स अपॉन एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा डी टी, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे है अपने पास, तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा डी टी, एंड लॉग एक्स की जगह पुट कर दूंगा टी। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब लॉग के अंदर आ जाएगा, लॉग एक्स की जगह तो मैं टी पुट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा टी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा डी टी। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया लॉग टी का इंटीग्रेशन। अब हम लॉग टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे वन एंड सेकंड फंक्शन मान लेंगे लॉग टी, ओके। फिर हम बाय पार्ट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा देख लॉग टी एज इट इज, एंड वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन तो हमारे पास टी, एंड अब जो कॉन्स्टेंट रखा था हमने एज इट इज रखा था उसका डिफरेंशिएट, तो वो क्या जाएगा लॉग टी का डिफरेंशिएट होता है वन अपॉन टी इंटू डी टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग टी इंटू टी माइनस, अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी प्लस इंटीग्रे कॉन्स्टेंट सी, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन टी इंटू लॉग टी माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब मैंने क्या किया था, लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट किया था टी से, अब मैं टी की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा यहाँ पे लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग के अंदर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास ये, ओके। तो हमें क्या करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले लॉग एक्स को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा टी से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, क्यों, क्योंकि डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है वन अपॉन एक्स, ओके। तो मैंने लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया टी से, तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे लॉग टी आ जाएगा। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स हैं, तो वन को मैं मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन एंड लॉग टी को मान लूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से लॉग टी एज इट इज रहेगा, एंड वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, ठीक है। फिर वन का इंटीग्रेशन टी, एंड जो हमने एज इट इज रखा था उसका डिफरेंशिएट वन अपॉन टी, ठीक है। फिर हमारे पास इजी हो जाएगा यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये।